नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा अपनी YouTube क्लास चैटिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो, आज हम बात करते हैं आगे अपने विषय पर। तो हमने मुगल वंश के बारे में पढ़ लिया था। अब देखो, मुगल वंश के बाद में हमारे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सत्ता के साथ में संघर्ष। किसके साथ में? सत्ता के साथ में संघर्ष। कौन सी सत्ता? चाहे दिल्ली सल्तनत हो और चाहे मुगल वंश, केंद्रीय सत्ता यानी भारत के केंद्र में स्थित साम्राज्य और अपने राजस्थान के राजपुता उत्तराखंड के शासक कि देखो, सत्ता के साथ में संघर्ष यानी कि एक और जो केंद्र में यानी कि भारत की जो प्रमुख शक्ति थी, जैसे हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ी, मुगल वंश पढ़ा, उनके जो शासक हुए, उनसे अपने राजपुताना के जो शासक हुए उनका क्या संबंध था, उनका कैसा संघर्ष रहा, उसके बारे में हमारे आगे किया हुआ है। तो देखो, पहले जो मैंने आपको बता भी दिया, दिल्ली सल्तनत के काल में जिसके बारे में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी का संघर्ष हमने पढ़ा रणथंभौर के जो वीर शासक अमीर देव चौहान इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। जालौर के जो थे कामर देव चौहान उसके अलावा मेवाड़ के रतन सिंह, इनके बारे में आपको मैंने बता दिया। अमीर देव चौहान, जालौर के कारण देव, मेवाड़ के रतन सिंह, इनका संघर्ष था दिल्ली सल्तनत यानी अलाउद्दीन खिलजी के काल में, इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में देखो, उसके बाद की बात करें अकबर से जो संघर्ष रहा वो रहा था महाराणा प्रताप हल्दीघाटी का युद्ध। मानसिंह का नेतृत्व अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को मनाने के लिए भेजे गए शिष्टमंडल, इन सब की हमने पिछली कक्षा में बात कर ली थी। उस कक्षा में मैंने आपको एक शब्द बोला था, क्या बोला था कि महाराणा प्रताप का अग्रज किसे माना गया? राव चंद्र सेन को। तो आज हम जिसके बारे में अध्ययन करेंगे वो है राव चंद्र सेन। कौन है? राव चंद्र सेन। राव चंद्र सेन कौन थे, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखो, हमने जो सूर्यवंश में पढ़ा था, मैंने एक आपको लाइन में बताई थी, याद होगा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। क्या था बेटा? गिरि सुमेल का युद्ध, किन किन के बीच? राव कालदेव के सेनापति जेता और कृपा और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, याद होगा पिछली कक्षा का। हाँ, वही राव मालदेव, उसी की बात करते हैं। राव मालदेव, जोधपुर के शासक थे। राजधानी मंडोर थी, जीत थी, सबको पता है। इसी राव मालदेव के पुत्र थे राव चंद्र सेन। कौन थे? राव मालदेव के पुत्र कौन थे? राव चंद्र सेन। देखो, राव मालदेव और उनकी पत्नी सौरभ देव के पुत्र थे ये राव। राव
जो राम महादेव और पति स्वरूप थे उनके पुत्र थे रामचंद्र सेन, और इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1547। कब हुआ भाई जन्म? कब हुआ जन्म? 16 जुलाई 1541 को रामचंद्र सेन का राम महादेव तथा पति स्वरूप देव के घर क्या हुआ? जन्म हुआ। तो रामचंद्र सेन के पिता का नाम राव मालदेव, माता का नाम स्वरूप देव, जन्म 16 जुलाई 1541। आगे समझ में? आगे हम बात करते हैं। देखो 31 दिसंबर 1562 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 16 दिसंबर 1562 ईस्वी को राव मालदेव की मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु के बाद में अपने भाइयों में छोटे होते हुए भी जोधपुर के शासक यानी मारवाड़ के साथ कौन बनते हैं? राव चंद्रसेन, यानी कि चंद्रसेन का क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ? 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को राव चंद्र सेन का राज्याभिषेक हुआ राव महादेव की मृत्यु के बाद में, यानी कि जोधपुर के शासक कब बने राव चंद्र सेन? 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को ये शासक बने। यहां तक समझ में आ गया होगा? मैंने एक बात बताई कि चंद्र सेन अपने भाइयों में छोटे होते हुए भी शासक बने, तो बड़े भाई इसे नाराज होंगे नहीं होंगे? हाँ, ये भी हुआ। चंद्र सेन का भाई राम, क्या नाम है? राम, नाराज होकर के चंद्रसेन से कहां चला गया? अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में कहां चला गया? अकबर के दरबार में कौन चला गया? राम। कौन था? चंद्रसेन का बड़ा भाई था। क्यों? क्योंकि चंद्रसेन अपने भाइयों में छोटे होते हुए भी क्या बना था? जोधपुर यानी मारवाड़ का शासक बना था, क्योंकि राव को मालदेव है और जो स्वरूप देव उनका प्रियतम और योग्य पुत्र था, जिसके कारण चंद्रसेन को शासक बनाया गया। क्योंकि चंद्रसेन जन्म के काल से निर्भीक, निडर और एक अद्भुत शक्ति से परिपूर्ण व्यक्ति था। उसका व्यक्तित्व इस प्रकार का था कि अगर हम बात करें तो वो मारवाड़ के जो अन्य शासक हुए उनमें मालदेव के पदों पर चलने वाला था। जिस प्रकार मालदेव एक योग्य वीर शासक था, वैसे ही ये उसका पुत्र जो चंद्रसेन था वो भी एक योग्य शासक था। तो राव मालदेव ने अपने पुत्रों में से योग्य से समझ करके अपना शासन नियुक्त कर दिया, उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। तो 31 दिसंबर को यदि राव मालदेव की मृत्यु के बाद में चंद्रसेन शासक बन जाता है मारवाड़ का। यहाँ तक आपके समझ में आ गया? और इसके बाद में क्या होता है कि इसका भाई जो राम है वो इससे नाराज होकर के कहाँ चला जाता है? अकबर के दरबार में चला जाता है। अब अकबर को तो वैसे भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, चाहे वैवाहिक नीति के तहत करो और चाहे किसी प्रकार की कोई आक्रमण करके या शक्ति का प्रदर्शन करके करो। अकबर इसी दिमाग में बैठा था कि भाई कैसे जैसे कोई ऐसा मुद्दा आए जिसकी वजह से मैं राजस्थान में हस्तक्षेप कर सकूं। भाई हुआ क्या था? महाराणा प्रताप को लेकर क्या हुआ मेवाड़ को लेकर के, कि जो महाराणा प्रताप का जो भाई है जगमाल सिंह, शक्ति सिंह, वो कहाँ चले गए थे? अकबर के दरबार में चले गए थे। तभी तो अकबर ने अपनी सेना भेजी थी मेवाड़ पे आक्रमण करने के लिए। और यही स्थिति कहाँ होती है? मारवाड़ में होती है कि जो राव चंद्र सेन है उसका भाई क्या करता है? उसका भाई है राम, वो अकबर के दरबार में चला जाता है, जिसके कारण अकबर को क्या स्थिति मिल जाती है? अकबर को ये स्थिति मिल जाती है कि कैसे जैसे अब हम क्या कर सके, मारवाड़ के जो शासन है उसमें हस्तक्षेप कर सके और उस पर अपना अधिकार कर सके, उससे अपने अधीन कर सके। तो अकबर क्या करेगा? अकबर राम के साथ में अपनी सारी सेना भेजता है। क्या करता है? सारी सेना भेजता है किस पर आक्रमण करने के लिए? जोधपुर पर, यानी चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। यहाँ तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, फिर आगे हम बात करते हैं। तो देखो यानी राम अकबर के जब दरबार में चला जाता है तो अकबर क्या करता है? अपनी सारी सेना हुसैन उल्ली खान के नेतृत्व में भेजता है। क्या करता है अकबर? है
राम की सहायता के लिए जब राम अकबर के पास जाकर के प्रार्थना करता है तो अकबर अपनी सारी सेना हुसैन कुली खान के नेतृत्व में भेजता है और किस पर आक्रमण करता है, जोधपुर यानी मारवाड़ पर आक्रमण करता है। कब करता है? 1564 ईस्वी में आक्रमण करता है। 1564 ईस्वी में जब अकबर की विशाल शाही सेना जोधपुर पर आक्रमण करती है तो रामचंद्र सेन है वो जोधपुर से भादरा जोड़ चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? भादरा जोड़ चले जाते हैं, यानी जोधपुर को छोड़कर चले जाते हैं। और जोधपुर पर किसका अधिकार हो जाता है? जोधपुर पर अकबर की शाही सेना का अधिकार हो जाता है। किसका अधिकार हो जाता है? अकबर का। अकबर का अधिकार हो जाता है जोधपुर पर। और जैसे ही अकबर की सेना पुणे लौट जाती है, रामचंद्र सेन पुणे आकर पुणे जोधपुर पर अपना अधिकार कर लेते हैं। क्योंकि देखो रामचंद्र सेन को पता था कि भाई एक मुगल बादशाह अकबर की एक शाही विशाल सेना के सामने मेरी सेना तो उतनी योग्य है नहीं या उतनी बड़ी सेना है नहीं कि उसका मैं प्रत्यक्ष संघर्ष कर सकूं, तो इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना और सेना के चले जाने के बाद पुनः उस पर अधिकार कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ होगा। और यही रामचंद्र सेन ने किया कि रामचंद्र सेन ने उसकी अधीनता स्वीकार करने के बदले में क्या किया कि अकबर के शाही सेना के लौटते पुनः जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अब देखो हम बात करते हैं आगे। अब अकबर क्या करता है देखो, 1570 ईस्वी की बात, अकबर आया नागौर। आया अकबर आया नागौर कहा गया नागौर और नागौर में लगाया दरबार जिसे नागौर का दरबार कहते हैं। अकबर के द्वारा नागौर दरबार कब लगाया गया था? 1570 में लगाया गया था। और यहाँ राजकारण के लगभग राजपूताना के लगभग जितने भी जैसे बीकानेर के राय सिंह है, जयपुर के द्वारा जय सिंह है, वो सब नागौर दरबार में आकर के क्या कर लेते हैं? अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अधीनता क्या कर लेते हैं? स्वीकार कर लेते हैं अकबर की। लेकिन सिर्फ दो ही थे, एक तो महाराणा राणा प्रताप। महाराणा प्रताप अकबर के नागौर दरबार में नहीं आते हैं क्योंकि वो तो सिंह था, कभी बेड़ियों में जी नहीं सकता था, कभी वो जंगलों में विचरण कर सकता था, वो भूखा रह सकता था, पर कभी किसी मुगल की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता था। तो महाराणा प्रताप नहीं आए, मैंने अधीनता स्वीकार नहीं की। और एक थे चंद्रसेन। देखो चंद्रसेन आए नागौर दरबार में, आए जरूर थे चंद्रसेन, लेकिन नागौर दरबार में जब चंद्रसेन को उचित अधिकार उचित सत्कार सम्मान नहीं मिला और उनका उस स्थान नहीं मिला तो रामचंद्र सेन पुनः नागौर दरबार से चले जाते हैं बिना अधीनता स्वीकार करे, बिना अकबर का अभिवादन करे। अब एक बड़े सारे बादशाह के सामने राजताना का छोटा सा शासक अगर उसे ललकार के चला जाता है उसके लिए तो एक बहुत बड़ी क्या होती है, चुनौती होती है। अकबर ने कहा मेरे दरबार में आया और मेरे अधीनता तक स्वीकार नहीं की, मेरा अभिवादन तक नहीं किया, तो उस पर क्या किया जाए, आक्रमण किया जाए। तो देखो अब क्या हो गया, अकबर और चंद्रसेन का सीधा सीधा क्या हो गया, संघर्ष होना था। एक दूसरे का क्या हो गया, एक दूसरे के प्रति विरोधी भावना विचारधारा तनप चुकी थी, अब तो क्या होना था, संघर्ष होना था। इसी के साथ में क्या होता है देखो कि अकबर है सेना को पुनः जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। जोधपुर पर पुनः क्या होता है, आक्रमण होता है। और जोधपुर पर आक्रमण के बाद में किसका अधिकार हो जाता है, अकबर का अधिकार हो जाता है अकबर की सेना का। लेकिन फिर भी रामचंद्र सेन है वो हार नहीं मानते हैं। रामचंद्र सेन जोधपुर से कहाँ चले जाते हैं, भद्रा जोन चले जाते हैं, जंगलों में विचरण करते हैं, लेकिन कभी ना तो अकबर के हाथ आए और ना ही अधीनता स्वीकार की। इसी के लिए इसी कारण से रामचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का अग्रसूर या पथ प्रदर्शक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप से पहले अगर अकबर से किसी ने सीधा संघर्ष किया था तो वो थे रामचंद्र सेन। अनेक बार जोधपुर पर आक्रमण हुए, जोधपुर पर अधिकार हुआ, मंडोर पर अधिकार हुआ, लेकिन रामचंद्र सेन न पकड़े जा सके। रामचंद्र सेनों ने जंगलों को अपना
आवास बनाया, निवास बनाया, लेकिन कभी अधीनता स्वीकार नहीं की और जंगलों में भटकता रहा, अकबर की सेना से संघर्ष करता रहा। अकबर की सेना आती, आक्रमण करती, वापस चली जाती और जाने के बाद में पुनः रामचंद्र सेन उस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता था। यानी कि रामचंद्र सेन ने संघर्ष की नीति अपनाई, अकबर के साथ में जो संबंध थे वो संघर्षपूर्ण रखे, कठिनतापूर्ण रखे, कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। ये थे रामचंद्र सेन। अब रामचंद्र सेन के बारे में देखो, नागौर दरबार कब लगा? 1576 ईस्वी में लगा, ठीक है। किसने अधीनता स्वीकार नहीं की? चंद्रसेन ने नहीं की। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे समझिए, अब रामचंद्र सेन के बाद की हम बात करते हैं तो वो है देखो, जो एक अन्य जो पात्र आते हैं इतिहास में उनकी हम बात करें तो वो है इतिहास में राय सिंह बीकानेर। देखो उससे पहले, राय सिंह से पहले हम कुछ बात और कर लेते हैं चंद्रसेन के बारे में कि मैंने बताया जोधपुर पे अकबर सेना ने आक्रमण किया था, तो ये जो चंद्रसेन है वो जोधपुर से कहाँ चले जाते हैं? जोधपुर से यहां से निकले, भादरा जोन चले गए। कहाँ चले गए? भादरा जोन चले गए। भादरा जोन पर भी अकबर की सेना पीछा करती हुई आई, तो भादरा जोन से जो रामचंद्र सेन है वो सोजन चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? सोजन। उसे पहले पाली, सोजन से पहले सिवाना, बाड़मेर, सिवाना बाड़मेर वहां भी गए। अंत में देखो पाली में 11 जनवरी 1581 ईस्वी में रामचंद्र सेन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो रामचंद्र सेन की मृत्यु कब हुई? 11 जनवरी 1581 ईस्वी में। किसकी मृत्यु हो गई? पाली में। किसकी? रामचंद्र सेन की। और वही इनकी क्या बनाई हुई? समाधि बनाई हुई है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम आगे बात करें तो देखो एक प्रश्न ये भी आता है हमारे मन में कि अगर राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप की तरह ही अन्य अगर राजपूताना के जो शासक हुए वो अंग्रेजों मुगलों का प्रतिकार करते तो हमारा इतिहास कुछ अलग होता। लेकिन देखो कि अगर संघर्ष करने वाले भी राजपूताना के थे तो अकबर का सहयोग करने वाले भी, अकबर का सहयोग करने वाले भी जैसे बीकानेर के राय सिंह है, कर्ण सिंह है, आमेर के मान सिंह है, जयपुर के स्वाय जय सिंह है, तो ये सारे शासक हुए जिन्होंने अकबर का सहयोग भी किया। भगवंत दास से है देखो एक इनका जो चंद्रसेन की मृत्यु है पाली में हुई। सच्ची याय में इनकी क्या बनी हुई है? स्मृत समाधि स्थल बना हुआ है चंद्रसेन का सच्ची याय में पाली में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे की हम अगर बात करें तो देखो ये तो थे मुगलों और दिल्ली सल्तनत के जो भी शासक हैं उनके साथ में संघर्ष राजपूताना कर रहा हो। अब सहयोग करने वाले शासक के बारे में जैसे हम मान सिंह कछवा है, राय सिंह है, इनके बारे में हम बात करेंगे अगली कक्षा में। दोस्तों अधिक से लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि उन बच्चों तक आप इनको शेयर भी करें ताकि उन बच्चों तक पहुंचाया जा सके जो अभी शिक्षा से वंचित है, क्योंकि इस वैश्विक महामारी के चलते इस विद्यालयों का खुल पाना अभी संभव नहीं है, हो सके समय लगे। तो आप अपनी जो कक्षाएं हैं वो नियमित रखने के लिए आप इन कक्षाओं को नियमित रूप से लेते रहें, अपनी शिक्षा को नियमित सुचारू रूप से जो चलाते रहने की आपकी शिक्षा है वो सुचारू रूप से चलती रहे तो आप इन कक्षाओं को अधिक से अधिक देखें, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा और निश्चित ही हमें सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों इसी के साथ में एक छोटी सी लाइन के साथ में मैं विदा चाहता हूँ कि हमारे मिसाल में एपीजे अब्दुल कलाम ने कुछ लाइनें लिखी थी, उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सो के देखे जाते हैं, सपने वो नहीं होते जो सो के देखे जाते हैं, बड़ा सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते,
हमें सोने नहीं देते। अगर आपको इस एजुकेशन लाइन में कुछ करना होगा ना कि नहीं मुझे अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, मुझे अपने जो ये शिक्षा है उसको सुचारू रूप से चालू रखना है, तो आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ तो माध्यम अपनाना पड़ेगा। अभी विद्यालय बंद है तो क्या हुआ, ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे चैनल हैं। और मैं तो ये तो कहता हूँ, आशा भी करता हूँ कि आपको मेरी क्लास अच्छी भी लगी होगी और आगे भी आपको अगर क्लासे अगर प्रतिरूप से सुचारू रूप से चाहिए तो आप प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब करते रहें, आप कमेंट करते रहें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको सुचारू रूप से इससे अच्छी अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।